नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों, अब से कुछ देर पहले के कविता केसीआर, जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री की सुपुत्री और उनके भाई केटीआर जो वहां है, अगर उसका ऑडियो है गरिमा जी तो आप कर दीजिए, उसी वीडियो पे रखिए। केटीआर की बहन केसीआर, केसीआर की सुपुत्री केटीआर की बहन के कविता को अरेस्ट कर लिया है ईडी ने 5:20 पे। वो जो पीले ड्रेस में जो महिला है वो ईडी ऑफिसर है, मिस मीणा। और ये बहस चल रही है, ये टीआरएस जो अब बीआरएस हो गई है उसके बड़े नेता केटीआर और ईडी की टीम के बीच में। वो कागज है हमारे पास, जो कागज केटीआर दिखा रहे हैं वो कागज रिपब्लिक के पास है, वो कागज रिपब्लिक के पास है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पढ़ रहा हूं उस कागज से, 5:20 पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने के काला वकुंतला कविता, वाइफ ऑफ मिस्टर डॉक्टर अनिल कुमार को अरेस्ट कर लिया है उनके बंजारा हिल्स स्थित हैदराबाद तेलंगाना घर से, ये आप समझिए। और कहा है कि 5:20 पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर श्री जोगेंद्र ने किया है, डॉक्टर अनिल कुमार जो है हस्बैंड ऑफ श्रीमती के कविता कुमार को बता दिया है भाई, एंड के कविता कुमार इज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइंड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ पीएमएलए। इस पे बहस चल रही है, इस पे बहस, के कविता का कनेक्शन किस स्कैम से है, शराब स्कैम, लिकर स्कैम, दिल्ली की शराब स्कैम, शराब नीति में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ये जो व्यक्ति सामने खड़े हैं जो दक्षिण की पॉलिटिक्स को, आंध्र तेलंगाना की पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो जानते हैं ये केटीआर है, ये कितने बड़े नेता हैं। और इनकी बहन के कविता को जो अरेस्ट किया है, ये बोल रहे हैं दिस इज नॉट डन, ये इनके घर में हो रहा केटी, और ये घर के बाहर है, एक विजुअल घर के अंदर, एक विजुअल घर के बाहर। ये तो है बंजारा हिल्स हैदराबाद का, लेकिन क्या आपको पता है हैदराबाद और दिल्ली में कितनी दूरी है? अगर शुभम और धीरज तुमने दिमाग लगाया होता तो अभी एक मैप बनाया होता मेरी टीम कि हैदराबाद से दिल्ली के बीच की दूरी तो है 3 घंटे 3.5 घंटे 4.5 घंटे लगता है प्लेन से भी जाने में, लेकिन ये इस ईडी के समन की ताकत इतनी तेज है, इतनी ज्यादा है कि भाई दिल्ली ऑलरेडी कहीं कांपने तो नहीं लगी है, पूछता है भारत यानी दिल्ली की सरकार, क्योंकि इसके जो तार है वो दिल्ली सरकार से जुड़ते हैं। और इसी पे डिबेट करने के लिए मेरे साथ आज दो लोग जुड़ेंगे, एक बीजेपी और एक आम आदमी। क्या संजीव झा जी जुड़ गए? क्या सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए? अगर जुड़ गए तो मुझे बताइए। संजीव झा जी जुड़ गए तो मैं पहले जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक और प्रवक्ता संजीव झा जी। संजीव जी, बात करनी थी मोदी 3.0, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन की पत्रकार वार्ता से पहले दिल्ली के शराब स्कैम को लेके के कविता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। इतनी जल्दी तो प्लेन नहीं पहुंचता जितना जल्दी ये ईडी का असर दिल्ली पहुंच गया है। संजीव झा जी, कहीं आप भी परेशान तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं अगला, बीजेपी वाले क्या, आम आदमी पार्टी तो खुद बोलती है कि अगली बारी केजरीवाल की है, आपके वरिष्ठ नेता के, आप लोग खुद बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कल अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो रहे हैं? क्लैरिटी से पूछ रहा हूं। कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट के बाद तो साबित हो गया ना, विजुअल्स रख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, अब तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं, अब जब रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो किसी तरह से ये नैरेटिव बदल जाए उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे बचेंगे नहीं। आप एक बात समझिए, आप कहते हैं कि ये एक्साइज पॉलिसी में करप्शन हुआ, उस करप्शन को लगातार 2 साल से आप जांच कर रहे हैं,
आप कहते हैं हम परेशान तो नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? आप समझिए उस एक्साइज की करप्शन की जांच 2 साल हो गए, 2 साल में आप जगह जगह पर 1000 जगह छापा मार लिया, एक चौवन्नी आपको 58 नहीं आपको मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिसको लगता है कि मीडिया को भी संज्ञान लेना चाहिए और देश के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हाँ। कि इलेक्शन बॉन्ड के जरिए जो करप्शन सामने आ रहा है ये आजादी के बाद से आज तक का सबसे बड़ा करप्शन है। एक बार बताइए, हाँ। ये कहते हैं कि आपने एक्साइज में करप्शन किया, आपने पॉलिटिकल फंडिंग की, हाँ। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए ये साबित हो रहा है कि आपने कंपनियों पे रेड की और रेड के बाद आपको बॉन्ड के जरिए पैसे आया। आज फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिसके यहाँ आपने 2 अप्रैल को रेड किया, 7 अप्रैल को वो बॉन्ड खरीदता है और कितना 1368 करोड़ रुपए। तो क्या ये क्विड प्रो क्वो नहीं, एस्टैब्लिश नहीं है? इसको जांच की भी जरूरत नहीं है कि एक एजेंसी पे आप पहले एक कंपनी को पहले आप छापा मारते हैं और वो कंपनी आपको पैसे देता है और बॉन्ड में पकड़ा गया और इसलिए छुप भी रहे थे। SBI को लगातार सुप्रीम कोर्ट के डांट के बावजूद, कंटेंप्ट की धमकी के बावजूद नहीं, पर अरविंद केजरीवाल के पास थोड़ी ना इतने हजारों करोड़ रुपए हैं क्या कि जो उनपे रेड मार के उनसे पैसे लेने के लिए हो रहा है? नहीं, अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट से चलूं तो क्या अरविंद केजरीवाल के पास इतने हजारों करोड़ रुपए? वो तो आम आदमी है जी, कहां आम आदमी के पास इतना हजारों करोड़ रुपया होता है? अगर मैं आपके आपके ही कॉन्सेप्ट से चलूं, हजार करोड़ की बात कर रहे हैं। देखिए एक बात, अगर आपने हमने समय दिया तो हम 2 मिनट बात कर लेते। बोलिए ना, मैंने तो आप ही से पूछा, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? आप ही पूरा टाइम कर। एक बात समझिए आप, प्लीज समझाइए कि ऐसे दर्जनों कंपनी जो आपको हजारों करोड़ का बॉन्ड दे रहा है और वो कंपनियां कौन है? एक एक अगर आपको मैं बताऊं तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, किसी को काम मिला, किसी का IT का रेट, किसी का ED का रेट हुआ। तो IT का रेट, ED के रेट के बाद अगर BJP को चंदा गया है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश से माफी क्यों नहीं मांगना चाहिए? प्रधानमंत्री जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? और ये एस्टेब्लिश फैक्ट है। आप तो 2 साल से जांच कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है आपको, आप जेल भेजना भेज दो, जेल जाने से कौन डरता है? लेकिन देश देख रहा है कि आपने व्यापारियों के हाथ देश को बेच दिया आपने, ये तो बोर्ड के जरिए जानकारी आ रही है। जी बिल्कुल, संजीव झा जी मैं आपको रोक रहा हूं बिकॉज ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं के कविता के घर के बाहर से, और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि संजीव झा जी ये वहां से वो विजुअल्स आएंगे, लेकिन संजीव झा जी को जरा रखिए 3070 में, क्योंकि संजीव झा जी मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो विजुअल्स आ रहे हैं हैदराबाद से, ये ऐसे विजुअल्स हमने आपकी पार्टी के नेताओं के घर के बाहर भी देखे हैं और शराब स्कैम में ही देखे हैं, चाहे वो संजय सिंह जी हो जिनको, अरे आपने बोला वो संसद में सवाल पूछते थे इसलिए, अब के कविता तो सवाल भी नहीं पूछती थी, क्या उनका भी कोई कनेक्शन नहीं? क्या आप कह रहे हैं बिना किसी तार के, बिना किसी सबूत के, बिना एन आयोटा ऑफ एन एविडेंस ईडी बस क्योंकि विपक्ष को पकड़ना इसलिए पकड़ रही है? क्या आप लिटरली ये कह रहे हैं? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ। ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट कब कहा ये जस्टिस ने कहा, हाँ। कि अभी जो तुम चार्जशीट बनाकर लाए वो 2 घंटे नहीं टिकेंगे। 2 एलिगेशन था, एक एलिगेशन था कि मनीष ने 2 करोड़ तो कोर्ट छोड़ता क्यों नहीं है? जस्टिस जस्टिस ने कहा कि कोई ट्रेल नहीं है, तो फिर छोड़ता क्यों नहीं? कहा नहीं, गोवा में पॉलिटिकल फंडिंग हुई, भाई जस्टिस ने कहा कोई ट्रेल नहीं है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट। तो फिर बेल क्यों नहीं मिलती है संजीव जी? तो फिर बेल क्यों नहीं मिलती? जस्ट कीप ऑन 2 विंडो प्लीज। नहीं नहीं, तो फिर बेल क्यों नहीं मिलती है? अगर आप इतना ठीक है और आपने कुछ गलत नहीं किया तो बेल क्यों नहीं मिलती? आपने क्वेश्चन पूछ लिया, प्लीज बोलिए ना, जवाब सुन लीजिए। मैं तो और किसी के पास गया ही नहीं। इसको 2 एजेंसी जांच कर रही है, CBI जांच कर रही है और ED जांच कर रही है। CBI में सबको बिल मिल गया, ED में बेल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं बेल मिल रहा? बेल तो कोर्ट देता है ना। ईडी को आपने मॉन्स्टर बना दिया। नहीं नहीं, देखिए ईडी को तो आप ऑलरेडी पेंट कर चुके हैं ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं नहीं, संजीव जी देखिए, CBI भी ईडी भी, इल्जाम तो आप दोनों पे लगाते हो, है ना? मैं कह रहा हूं बेल तो कोर्ट से लेनी है ना आपको। एजेंसीज तो दोनों आपने, भाई एजेंसीज तो दोनों सरकार की है ना, नाम ही अलग है। आपने कहा एजेंसीज तो सरकार हमारे खिलाफ अटैक डॉग की तरह इस्तेमाल कर रही है, चलो मान लिया 1 मिनट के लिए, पर कोर्ट्स तो है। अब मैं जवाब दे दूं, आप अच्छे पत्रकार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप एक बात समझिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को आपने कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं बनाया, आपने मोस्टर बनाया। और इसको स्टिल करने का कारण यह था कि आपने कहा था कि हम टेरर फंडिंग रोकेंगे, हम टेररिस्ट को पकड़ेंगे, पूरे वर्ल्ड में ड्रग माफिया है, ड्रग्स में पैसा है उसको रोकेंगे। आपने एक टेररिस्ट को नहीं पकड़ा, PMLA में किसी ड्रग्स माफिया को नहीं पकड़ा आपने। आप बदले की राजनीति करके
आप पॉलिटिकल अपोनेंट को अरेस्ट कर रहे हो जो आपको चुनौती दे रहा है, जिससे आपको डर लग रहा है। तो आपने सारे सेक्शंस को अमेंड करके, या 45 हो, 50 हो, 18 हो, आपने उसको इतना मजबूत कर दिया कि आसान बेल लेना आसान नहीं है। ओके, आप बर्डन ऑफ प्रूफ आप एक्यूज पे रख देते हो, एक्यूज को साबित करना है कि ओके तुम अगले दिन किसी को उठा कर ले आते हो, 100 लोग उठा चुके हो अभी तक कि हम जांच कर रहे हैं। सुधांशु जी, जांच कर रहे हैं, ठीक है संजीव जी, पॉइंट टेक। सुधांशु जी, सुधांशु जी, आम आदमी पार्टी बोल रही है भाई ये जो पीएमएलए है, ईडी है, बनाया था पाब्लो एस्कोबार जैसे लोगों को पकड़ने के लिए, पकड़ रहे हैं आप के कविता और अरविंद केजरीवाल को। तो ये एस्कोबार को पकड़ने के लिए बनाया था, केजरीवाल को पकड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? सुधांशु जी देखिए, मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, परंतु ये बात सही है कि जो लोग कहीं ना कहीं उसके नक्शे कदम की रेंज में होते हैं तो वो लोग लपेट। नहीं, संजीव झा जी ने कहा है, जैसा कि कोई तुलना नहीं कर रहा संजीव झा और किसी को, नहीं तो हुर्रियत नेताओं पे नहीं चल रहा है क्या ईडी के केसेस? हाँ, मैं कह रहा हूं कोई तुलना नहीं कर रहा है, मगर फिर भी अब ये खुद जनता के विवेक पे छोड़ते हैं कि कौन किस कैटेगरी में आके फॉल करता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, अगर ये सच था तो जिस केस में ऊपर इस समय केजरीवाल जी पे शिकंजा कस रहा है उसमें क्या ये सच नहीं है? बड़ी सिंपल सी बात, ये इकलौता केस है जिसमें कि शराब नीति पहले दिल्ली सरकार ने लागू की और जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हुई विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ कर लिया उसके बाद आके डिफेंड भी करते हैं, ये अजब स्थिति है। अरे भाई सही था तो आप अपनी जगह दृढ़ रहते, विड्रॉ क्यों किया? ईमेल भेजने के सबूत है, उसके बाद जो लाभार्थी कंपनी है उसने पॉलिसी में संशोधन ईमेल के द्वारा भेजे गए और वो संशोधन इनकॉर्पोरेट किए गए, इसलिए लैपटॉप नष्ट किए गए हैं, दर्जनों की संख्या में मोबाइल नष्ट किए, तो ऐसे सबूत आ गए, इसलिए समस्या आ सकती है। उसके बाद आपको जो भी बोलना हो आप कर सकते हैं, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं आप तो वो पार्टी है ना जो कहते थे आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच वांच तो बाद में होनी चाहिए। अब कहते हैं कि कोर्ट से डिसीजन होने के बावजूद भी अब वो नियम गलत है और कोर्ट गलत है। मान्यवर, अगर नियम गलत है तो एक नहीं अनेक मौकों पे कोर्ट ने खारिज किया है। अभी देखिए, इन्हीं के पक्ष में चंडीगढ़ में निर्णय आएगा तो लोकतंत्र की विजय है, राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट बहाल कर देगा तो लोकतंत्र की विजय है, पर इनके नेता को बेल नहीं मिलेगी तो साफ कोर्ट सही नहीं कर रहा है। ये जो इन लोगों की एक आदत है उसकी वजह से भारत की राजनीति में मैं कह सकता हूं कि नेताओं के लिए विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है कि एक मौके पर कुछ और कहते हैं और दूसरे मौके पर कुछ और कहते हैं। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं भाई, ये बताइए आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते थे तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों से, याद करिए 10 साल पहले आम आदमी पार्टी एक चाय पार्टी करती थी जिसमें कहते थे 20,000 रुपए देकर आप चाय पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दर्शकों से कहना चाहूंगा ये 20,000 जानते क्यों होता था? क्योंकि उस समय तक कैश की में पैसा लेकर, जिसका नाम नहीं बताना होगा, वो लिमिट 20,000 थी और वो चाय पार्टी क्यों की जा सकती थी? 20,000 में तो कम से कम खाना तो खिलाना चाहिए जो 20,000 दे रहा है। ना ना, खाना खिलवाएंगे तो काउंटिंग हो जाएगी कि कितने लोगों ने खाना खाया है। चाय में तो बड़ा आसान होता, दिखा दीजिए कि यहां पे 1,000 लोगों ने चाय पी, एक घंटे के बाद कौन उसको वेरीफाई कर सकता कितने लोग थे, कि उतने कप यूज हुए कि नहीं हुए। 1,000 लोगों ने खाना खाया तो वो वेरीफेबल फैक्ट हो सकता है कि वो बना या नहीं बना। और मैं बताना चाहता हूं ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर कांग्रेस और ये आमद, इनकी 90% फंडिंग उस 20,000 रुपए के कैश वाले से होती थी, जिसे अब हमारी सरकार ने घटाकर 2,000 रुपए कर दिया। अब 2,000 रुपए का कैश आम आदमी दे सकता है, मगर ये जो 20,000 के कैच होते थे जिसमें कि भारी संख्या में वो होता था, ये इनका असली चेहरा था। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई है कि असली चेहरा सामने आ रहा है, तो इसलिए अब कभी आरोप किसी और को देना है और कभी किसी आरोप कोर्ट को देना है, कभी आरोप इलेक्शन कमीशन को देना है, इस कारण से इनकी ये स्थिति हो गई। नहीं नहीं, ये इनको आरोप किसी को नहीं, ये आरोप आपको दे रहे हैं सिर्फ संजीव झा जी, ओनली टू पीपल, ये आरोप सिर्फ आपको दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप ही हैं सब कर्ता धर्ता, ये कह रहे हैं जो भी हो रहा है बोल रहे हैं वो तो सब अच्छा काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई वो तो दिल्ली के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को जीत करिए, वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, आप डर रहे हैं उनसे। मैं ये भी बता रहा अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल खुद आके कहते हैं कि मैं मतलब अरेस्ट होने वाला हूं। अच्छा बोलिए जी, संजीव झा जी से पूछना चाहता हूं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद सब कुछ हुआ, जब ये पार्टी शुरू हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट 2011-12 में, वो किसके करप्शन के खिलाफ शुरू हुई थी? कौन लोग थे जिन पे आप कह रहे थे मुकदमे चलने चाहिए, ईडी में जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? केजरीवाल जी का वो वीडियो भी अवेलेबल है, बंद करो सोनिया गांधी को, ईडी में लाओ, अभी देखो बैठ के जब पूछताछ की जाएगी तो सब सामने आ जाएगा। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन किसके खिलाफ शुरू हुआ था? उसी पार्टी के खिलाफ जिसके दर्जनों नेता उस समय
कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियों के चक्कर काट रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप में, जिनकी पर्ची आप 2014 के बाद फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नरसिम्हा राव के समय में, नरसिम्हा राव देश के पहले प्रधानमंत्री बने जो प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अदालत में खड़े हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में, राजीव गांधी जी के ऊपर प्रधानमंत्री रहते हुए जब हम 2 सीटों की पार्टी थे, नरसिम्हा राव जी के समय कोई मोदी जी का नाम जानता होगा, अमित शाह जी का नाम नहीं सुना होगा किसी ने जनाब। इसीलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, यह 17वीं लोकसभा है, 18वीं के लिए हम चुनाव में जा रहे हैं। इससे पहले की लोकसभाएं 16वीं, 15वीं, 14वीं, 12वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, एक लोकसभा बता दीजिए जिनमें इन पार्टियों के, क्योंकि इनको तो छोड़ दें, ये तो 2013 में बने ही थे, तो ये जो हमारे ऊपर राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं, सपा, बसपा, डीएमके, कांग्रेस, इनके किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में जांच एजेंसियों या कोर्ट के चक्कर न काटे, उसे एक लोकसभा का नाम बता दें। संजीव जी बताइए ना, बाद मोदी जी के नाम की पर्ची फाड़। संजीव जी अब मुझे नहीं, नहीं संजीव जी बिल्कुल आप ही को दे रहा हूँ, बिल्कुल आप ही को दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये सही नहीं है कि अब जब अपने पे आई है तो आप कह रहे हैं भैया हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके नेता जो ऑलरेडी जेल में हो, चाहे मैं उनकी बात करूं, या अभी जो अभी हो रहा है हैदराबाद में, क्या हैदराबाद का ये जो डेवलपमेंट है तेलंगाना का, के कविता का, हैज इट नॉट सेंट शिवर्स इन दिल्ली पॉलिटिक्स? अचानक की आम आदमी पार्टी बिल्कुल हिल सी नहीं गई है, अरे ईडी को तो मना था, ये अरेस्ट कैसे हो गया, कल कहीं ये ना हो जाए। जी अरविंद जी, एक बात समझिए, मैं सुधांशु जी को सुन रहा था, कि हम 20,000 के चंदे में जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए हम ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेकर के आए, और यही बात अरुण जेटली 2017 में कहे थे, जो आज सुधांशु जी कह रहे हैं कि इसका कोई जानकारी नहीं है जी, इसलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आएंगे जिसमें सारी जानकारी होगी। अब ये कैसी जानकारी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको इशू करेगा उसकी जानकारी सीबीआई के सिवाय किसी को नहीं होगा, किस बात की चोरी कर रहे थे, किस बात से डर था और क्या छुपा रहे थे, डील क्या हो रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लेने के बावजूद एसबीआई डिटेल नहीं दे रही थी, और जब डिटेल की बात आई कहीं जून तक का टाइम देने का, चुनाव बीत जाएगा बात खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि आप गोल गोल घुमा रहे हो, जानकारी तो सारी है, और जब जानकारी आई तो सनसनीखेज जानकारी है। एक बात बताइए, अभी करप्शन की बात सुधांशु जी कर रहे थे कि भाई आपने एक्साइज पॉलिसी में करप्शन किया और पकड़े जाएंगे, या तो क्लियर करप्शन है भाई साहब, आप फ्यूचर गेमिंग पे आपने ईडी का छापा मारा 1360 करोड़ रुपए का, आप बॉन्ड इशू करके आपको डोनेशन मिल गया, ये तो क्लियर करप्शन। आ रहा हूं सुधांशु जी, आ रहा हूं, उनकी बात खत्म कर गया के यहां, अब सुनिए ना, आप डिस्टर्ब नहीं, कोई नहीं कर रहा डिस्टर्ब, मैं उनको बोल रहा हूं, हां बोलिए। अब मेगा प्रोजेक्ट के यहाँ छापा पड़ा और अगले दिन से बॉन्ड खरीद के आपको पैसे मिल गए 1200 करोड़ रुपए मिल गए, टोरेंट पावर के 10 जनवरी को आपने छापा मारा और 7 मार्च को आपके यहाँ बॉन्ड मिल गया, यही अरविंदो फार्मा जो शराब के एक केस में एक्यूज भी बनाया है, यही अरविंदो फार्मा के यहाँ 10 अगस्त 2022 को छापा मारा और 15 नवंबर 2022 को बॉन्ड खरीद लिया, और ऐसे हम आपको दर्जनों उदाहरण आपको दे देंगे, क्या ये एस्टेब्लिश फैक्ट है या नहीं है, और एस्टेब्लिश फैक्ट है जहां क्विड प्रो क्वो एकदम दिख रहा है कि आपने छापा मारा पैसे आ रहे हैं, किस मुंह से कह रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? तीसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई आप तो कहते थे कि आरोप लगते छापा इस्तीफा दे दोगे, हाँ बिल्कुल कहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप जैसे लोग भी आएंगे, जो हमारे आज सभी विधायकों का केस अगर काउंट कर ले तो लगभग 201,000 करा दिया आपने, तो फिर इस आरोप को इस्तीफा दे, सारे विधायक की खत्म, सरकार खत्म, यही तो आप चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल से घबराहट तो बड़ी होती है, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लोगों के रोजगार की बात करते हैं, okay. व्यवस्था की बात करते हैं, तो आप कर नहीं सकते तो घबरा रहे हैं आप, तो इसीलिए आप ये कर रहे हैं। चौथी बात, आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, हाँ बिल्कुल आए थे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आने के बाद अब जो आप इस देश के संविधान को खत्म कर रहे हैं, अब जो इस देश के जनता को खत्म कर रहे हैं, तो अब जनता बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज चिंता ये है जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जानकारी मिल रही है, अभी बता दूं मैं आपको कि एसबीआई रेसिपिएंट की जानकारी नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट के तमाम डाट के बावजूद, किसके दबाव में नहीं दे रही है, एसबीआई क्या छुपा रही है, किसके कहने पर छुपा रही है, क्या देश नहीं समझ रहा है क्या? तो एक बात बताइए आप कि आज रेसिपिएंट की जानकारी इतने नहीं मिल रहे हैं कि ऐसे और हजारों जानकारियां इनके पोल खुलेंगे कि किस किस लोगों से कैसे कैसे पैसे लिए हैं, और बात तो इलेक्ट्रल बॉन्ड की है, पीएम केयर का आने दीजिए, इन्होंने चाइनीज कंपनी से पैसा लिया, इन्होंने टिकटॉक से पहले जियांग से पैसा लिया, इलेक्ट्रिस से पैसा लिया है, वो भी जानकारी आएगी। ओके, तब मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश सुरक्षित नहीं है,
ये देश प्रधानमंत्री ने चला रहा है, ये देश विदेशों से चल रहा है, अब देश की जनता माकूल जा। देखिए वो तो जनता डिसाइड करेगी, अरविंद केजरीवाल से डर लगा, वो तो जनता डिसाइड करेगी। सुधांशु जी आ रहा हूँ, जेल जाने के संजीव झा जी तो तुम्हारे करतूतों का पर्दाफाश करेगी। ओके संजीव झा जी, दिल्ली के इलेक्शन में यानी एमएलए के इलेक्शन में आपको जिताती है ना जनता, तब तो आप कुछ नहीं, जनता डिसाइड करती है। पंजाब में आप जीते ना, जनता डिसाइड करती है। अब एमपी में कौन जीतेगा, देश में कौन जीतेगा, जनता को डिसाइड करने दीजिए। आपने अपनी बात रख दी, आपके हिसाब से बीजेपी गलत है, बीजेपी कह रही है, अगर मैं गलत हूं तो जनता को बताओ। बीजेपी कह रही है हमारे पास प्रूफ, भाई हम कर ही नहीं रहे। लेकिन ये जो इलेक्टोरल वाला, ये जो आप सीधा शराब स्कैम से इलेक्टोरल बॉन्ड को आप स्कैम की श्रेणी में लाना चाह रहे हैं सुधांशु जी, वो बड़ी सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि पहले मारो, कि पहले मारो, पहले पहले मारो रेड, फिर ले लो चंदा। कैसा हुआ है सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी का क्लियर एलिगेशन है, क्लियर एलिगेशन आप में जी। मैं इनको साफ बताना चाहता हूं, यदि ये इतनी सहजता से बोल रहे हैं, पहली बात ये प्रिजम्पशन और इन गेट्स का क्या आधार है। एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा डिटेल नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को और ये डेट के अनुसार बता रहे हैं, इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि मतलब अगर उनके उन्होंने हमको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था, इसके बावजूद ईडी की रेड हुई है उनके ऊपर, वो पूरी डेट्स आपने वेरीफाई की हो। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि पार्टियों को पता नहीं है, अगर पता है तो ये 1461 करोड़ रुपए जो कांग्रेस ने लिया क्यों नहीं अपनी लिस्ट जारी कर दी, 1600 करोड़ रुपया जो तृणमूल ने लिया क्यों नहीं लिस्ट जारी कर दी, बोलिए भाई। अरे भाई हम तो केंद्र में सरकार है, 17 राज्यों में सरकार है, तो हमें मिला 6000 करोड़, कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार, उन्हें मिला 1461 करोड़, तृणमूल कांग्रेस की 1 राज्य में सरकार 1600 करोड़। मेरे भाई हमारे ऊपर तो यह कि भाई हम इसको डिफेंड कर रहे थे, आप लोग तो अपोज कर रहे थे, इंडी गठबंधन वालों से कहते भाई तुम तो पहले पैसा वापस कर दो, ये काला धन है, मगर नहीं 1461 करोड़ लेना है। दर्शकों से कहता हूं 1461 करोड़, दूसरी एक जो राज्य में पार्टी है तृणमूल कांग्रेस 1600 करोड़, और सुनिए भाजपा जिसकी 17 राज्यों में सरकार है और केंद्र में सरकार है, अगर राज्यवार देखें तो हमें मिला पर राज्य 350 करोड़, और केंद्र से कम कर दीजिए तो हमारा तो पड़ा बमुश्किल 200-250 करोड़ एक एक राज्य में, 1600 करोड़ लेने वाले छाती भी पीटते हैं कि यह गलत है, छाती पीटते ये खराब है, और बताते भी नहीं कि पैसा किससे लिया है, और उसके बाद हल्ला भी मचाते हैं आके, ये होता है दोहरा चरित्र। हम तो कहते हैं कि हमने पारदर्शिता नहीं कहा, जिसका एक आधार बताते हैं, कोर्ट ने नहीं माना वो अलग बात है। जैसे इस देश में मतदान होता है तो किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के दो तरीके, मैं पार्टी का कार्यकर्ता बन सकता हूं खुल के आके सामने, मैं पार्टी का समर्थक बन सकता हूं अपने घर पर झंडा लगाऊं, अन्यथा मतदान गुप्त है, क्योंकि ये मतदान में ट्रांसपेरेंसी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये माना जाता अगर ये पता चला किसी दल ने किसको वोट दिया तो प्रभाव हो सकता। उसी प्रकार जो पैसे का दान है उसमें भी दो तरीके, आप चेक से भी दे सकते हैं, आप पब्लिकली कह सकते हैं मैं इस पार्टी का सपोर्टर हूं, वो भी कह सकते हैं, और गुप्त भी दे सकते हैं। तो जैसे मतदान में 3 श्रेणियां थी, उसी प्रकार डोनेशन में, अगर मतदान ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए कि डर होगा तो इसमें, और यही लोग आरोप लगाते थे, यही लोग कहते थे कि चेक से उन्हीं पार्टियों को ज्यादा मिलता है जो सत्ता में रहती। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, कम से कम अपनी अपनी पार्टी का क्लियर तो कर दीजिए, जो आप भाषण लेके आके खड़े हो गए हैं ये क्लियर कर दीजिए। और आपकी पार्टी तो वो है जो सत्ता में आने से पहले विदेश से चंदा ले रही थी, 2014 में पहली बार नई नई बनी पार्टी विदेश में कौन कौन सी सोर्सिंग से फंडिंग ले रही थी उसके बारे में तो आपने आज तक उजागर ही नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आप लोग बात कह रहे हैं कथनी और करनी में अंतर है, बस सिर्फ एक बता दीजिए, गलत था तो लिया क्यों, लिया तो बताया क्यों नहीं, और जब बताया भी नहीं और ले भी लिया तो हल्ला क्यों मचाया। संजीव झा जी, स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक जवाब आपका। संजीव झा, बिल्कुल ठीक। देखिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि जानकारी क्यों नहीं देते, मैं कहता हूं आप जानकारी क्यों नहीं देते बॉस, आप तो सरकार में स्वच्छता की बात करते थे, आप तो कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने बॉन्ड लेकर आए, आप जानकारी दो ना, हम तो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप जानकारी तो क्यों नहीं देते। जानकारी एक बात बताइए सर जी, इस देश में 16 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, सबको छोड़िए आम आदमी पार्टी दे रही है नहीं दे रही, नहीं एक सेकंड, 16,000 कंपनियों पे आएंगे। देखिए मैंने आप दोनों को बराबर समय दिया संजीव जी, शुरुआत आपसे की, नहीं संजीव जी प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं संजीव जी ऐसा नहीं ना, नहीं प्लीज, नहीं गलत कैसे है, आप अभी निकाल लीजिए, आपको मैंने ज्यादा टाइम दिया है सुधांशु त्रिवेदी से, नहीं मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भाई संजीव जी, मैंने आपको ज्यादा समय दिया, डोंट डू दिस, अरे राष्ट्रीय चैनल पे आप सामने बैठे हैं, ज्यादा समय मैं आपसे क्या संजीव दादा, 200 सवाल पूछते हैं फिर लंबी बात होती है, आप हमें बड़ा टोकते रहते हैं, कब टोका
अच्छा बोल लो, अच्छा बोलो फिर, पहले अपनी बात कर लो उसके बाद पूछूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो बोले आप इससे पहले, अच्छा बोलने दीजिए ना, हाँ कोई बात नहीं, टेंशन में लग रहे हैं, कोई नहीं बोलिए। इस मैं टेंशन नहीं लगा, चिंता मुझे मीडिया की भी है कि जहां एस्टेब्लिश फैक्ट है चर्चा उस पे नहीं हो रही है, डिबेट्स पे नहीं रही है। भाजपा जो नैरेटिव दिया है, आज किसी को अरेस्ट कर लिया तो एक्साइज पे डिबेट करा रहे हैं। अरे मुझे तो लगा था यू विल बी हैप्पी। इस कॉर्पोरेट मिल करके भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ का बॉन्ड दे देती है, और हम कह रहे हैं जिस बात की जांच आप 2 साल से कह रहे हैं उसमें तो आपको कुछ नहीं मिला। गोवा से आपने पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पे जो पोस्टर चिपका रहा था उसको भी बुला के पूछने पे किसने पैसे दिया तुमको, तो भी कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन यहाँ तो एस्टेब्लिश्ड है ना बॉस, हम पॉलिटिकल फंडिंग इसलिए कह रहे हैं गलत है सुधांशु जी, कि आपको जितने भी चंदा मिला है आपने वो चंद कंपनी चंदे जिसके यहाँ आपने आईटी का रेड किया, जिसके यहाँ आपने ईडी का रेड किया, या जिसको आपने काम दिया, भाई कल्पतरु प्रोजेक्ट को आपने काम दिया, माइक्रोलैब को आपने काम दिया बदले में आपको, ट्रेंड पावर को आपने काम दिया बदले में आपको ये दिया। आपको याद है ना एक टनल में उत्तराखंड में जो टनल में लोग बंद हो गए थे, उसने भी 80 करोड़ का बॉन्ड खरीद कर लाया है। और क्यूनिस एसबीआई रिसिपिएंट की लिस्ट देती है सुप्रीम कोर्ट को, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देती है हम देने के लिए तैयार है, आप दे दो जानकारी दे दो जनता को, तो संसद की सुस्ता गलती कर रहे हो। आपने देश को धोखा दिया है, आपने कंपनियों के हाथ देश को बेच दिया है। दुर्भाग्य यह है कि मीडिया इस बात पर डिबेट नहीं करना चाहती है, क्योंकि मीडिया भी डर रही है। मैं एक बात और किस पे करा रहा हूं, सब तो बोलने दे रहा हूं, हम तो बोलते रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे एक्सपर्ट। लेकिन आ रहा हूं सुधांशु जी, गिव मी टाइम। संजय भाई गुलामी कर लीजिएगा, जो मन आ रहा है वो आप बोल रहे हो, कौन रोक रहा है आप? जो आपका मन है वो आप बोल रहे हो, अब आपका अंदर का निकल रहा है वो ठीक है, लेकिन अब अच्छा अब एक सवाल आप दोनों से, संजीव झा जी मान लिया जो आम आदमी पार्टी कह रही है फैक्चुअली वो ठीक है, चलिए ठीक है कि जिस जिस के ऊपर रेट गड़ी उस उसने दिया। एक मिनट के लिए सुधांशु जी, क्योंकि डेडलाइन मेरे पास नहीं है, हो सकता है इनके पास हो तभी ये बोल रहे हो, लेकिन 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 संजीव झा जी जिन लोगों ने, तो अगर इतना गलत है ये, तो आपने कांग्रेस छोड़िए जिसका आपसे अलायंस पार्टनर है, वो ने आपके पास कितना बॉन्ड आया आम आदमी पार्टी के पास? हम अपनी लिस्ट जारी करने के लिए तैयार। नहीं नहीं, कितना आया आपको किसी से पूछना थोड़ी है, आप तो अभी कर सकते हैं वो सब वो आप तो अभी आपको किसी से पूछना नहीं है, आप तो अभी कर सकते हैं। ओनली 3 पीपल प्लीज प्लीज आउट ऑफ ग्राफिक्स ऑन दिस, ओनली 3 पीपल ऑन। थैंक यू। नहीं नहीं संजीव भाई, दूसरी बात में नहीं नहीं, पहली बात पे रहते हैं संजीव भाई, संजीव जी पहली बात पे रहते हैं, बीजेपी गलत है, कांग्रेस गलत है, सब गलत है, द बेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी मान लिया, अब इससे अच्छा मौका क्या होगा? आपके पास जानकारी है? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं इससे अच्छा मौका क्या होगा कि आप कर दें। नहीं नहीं संजीव जी समझिए, जो भी 60 करोड़ 65 करोड़ का जो भी डोनेशन दिया वो आपके सामने, वही मैं कह रहा हूं 60 65 75। दूसरी बात अभी दूसरी पे आते हैं, पहले मैं पहले फर्स्ट पे तो क्लियर हो जाऊं, अभी आप दोनों आपस में भिड़ रहे थे, अब थोड़ा तो समझ। हमने कोई छापा मार के पैसे नहीं लिए हैं, हमने कोई ईडी का पैसे नहीं लिए। अगर ईडी का रेड करके बीजेपी को पैसा आया है तो भारतीय जनता तो क्या शराब स्कैम करके आया है? नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देकर के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये उनके नेतृत्व में ओपनली गुंडागर्दी हुई है। पहले हम गब्बर दिखा करते थे, गब्बर टैग करते थे सोने में कि गब्बर अपना आदमी पहले भेजा, फिर गांव वाले जाकर टैग देते थे। ये गब्बर वाला काम भारतीय जनता पार्टी के ओपन गुंडागर्दी डकैती करने लगी, और आप डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, इतना बड़ा घोटाला देश। अरे तो और क्या हो रहा है, उसी पे तो था, अब के कविता वहां अरेस्ट हो गई, पूरा हर जगह चल रहा है, आप कह रहे डिबेट मत करो, आप समझ रहे हैं? नहीं, नहीं, नहीं। के कविता आप तो किन की सुपुत्री हैं? आप तो एक्साइज पॉलिसी पे, आप बात समझो, बात एक्साइज पॉलिसी की नहीं है, बात के कविता किसकी सुपुत्री हैं? कोई छोटी नेत्री है क्या? नहीं नहीं, आप ऐसी बात कर रहे हैं, जांच करो, जांच से कोई नहीं डरता, लेकिन यहाँ ओपनली एस्टेब्लिश्ड करप्शन है, क्या उसमें ईडी का रेड होगा, क्या प्रधानमंत्री को अरेस्ट किया जाएगा? जवाब दे रहे सुधांशु जी, देखिए वो ये कह रहे हैं हम तो साफ है, लेकिन घोषित आप करो, संजीव झा जी उस पे खुल के नहीं बोल रहे हैं कि वी विल डू। मैं दर्शकों की सामान्य, देखिए मैं बड़ी सामान्य सहज भाषा में बता देना चाहता हूं इनका चरित्र क्या है। 10 आदमी खड़े हैं और उसमें से आधे लोग हल्ला मचा रहे हैं कि किस सबके अकाउंट में कितना कितना पैसा आया है, ये सरकार को बताना चाहिए। हाँ। ये बैंक को बता देना चाहिए, ठीक है। 4 लोगों का ये मत है कि ये प्राइवेसी का मामला है, नहीं बताना चाहिए। 6 लोगों का ये कहना है कि ये बता देना चाहिए, तो उनसे कहा जा रहा है कि अगर आप पारदर्शिता के पक्ष में तो आप तो बता सकते हो ना मेरे अकाउंट में इतना आया। ना ना ना, मैं नहीं बताऊंगा,
मगर मैं हल्ला मचाऊंगा कि सरकार बताए कि सबके अकाउंट में कितना है। ये है इनकी पूरी जो वितंडावाद है उसका एक अर्थ है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अभी आपके कार्यक्रम पे ही बैठे बैठे ईश्वर जी मुझे ध्यान आया, ये तो वो पार्टी है जिसने वेबसाइट के ऊपर कहा था कि हम हमेशा डाल दिया करेंगे कि वेबसाइट पे हर बार डालेंगे हर महीने कि हमें कितना अकाउंट मिला पैसा मिला, और करीब 2015 के आसपास की बात है, एक नहीं तीन चार कंपनियां ऐसी आई जो रात में क्रिएट हुई, पैसा आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हुआ और 24 घंटे में कंपनी बंद हो गई। भाई साहब जैसे ही ये तीन चार कंपनियों का मामला आया उसके बाद इस पार्टी ने वेबसाइट के ऊपर डालना बंद कर दिया। ये पारदर्शिता के झंडा बरदार, ये कट्टर ईमानदार का असली किरदार जिन्होंने इतना हल्ला मचाया था कि हम तो हमेशा डालेंगे, जैसे ही पता चला शेल कंपनियों से पैसा आ रहा है ये डालना बंद कर दिया, और फिर अभी देखिए बोलने लगे मीडिया के ऊपर। तो मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, ये बताइए तमिलनाडु में तमिल भाषा का सबसे बड़ा टीवी चैनल कौन है? कलिंगर टीवी है ना, कौन ओन करता है उसको? आपके इंडी गठबंधन की सत्ताधारी पार्टी डीएमके का प्रथम परिवार सीधे मालिक है भाई, और उसके बाद उसने आप सत्ता में रहते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई कि बाकी सब चैनल दाएं बाएं हो गए। क्यों भाई, वो मीडिया कंट्रोल नहीं है क्या? वो उसमें भी एक का नजर आता है, ऐसा तो कोई नहीं है कि भाई हमारे कोई मोदी जी अपना चैनल चला रहे हैं और बाकी सबको खत्म कर दिया है। वहां तो सीधे ओनरशिप उसकी जिसकी सरकार, और केबिल पर तो पंजाब में भी जब थे तब भी वो था, और आप तो वो पार्टी जो मीडिया की क्रिएशन है। मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी का वो वक्तव्य बताना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर सारे चैनल्स में मिला के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जितने मिनट्स दिए हैं इनको उतने वोट नहीं मिले थे इनको 2014 में। और आज भी मैं दर्शकों से कहता हूं ये केवल 20 लोकसभा सीटों की पार्टी है, इनके पास 7 जिन पे लड़ाई में है दिल्ली में और 13 है पंजाब में, और आप राष्ट्रीय चैनल पर देख लीजिए अगर इनका विज्ञापन बीजेपी से 20 ना होता हो, अगर इनको तुलनात्मक दृश्य हमसे कई गुने ज्यादा मिनट्स ना मिलते हो, केजरीवाल जी की एक एक प्रेस डायरेक्ट में टेलीकास्ट होती हो, तो जो आप कहिएगा मैं अपने शब्द वापस लेने को तैयार हूं। आज डिजिटल जमाना है, कोई भी जाके चेक कर सकता है। सबसे कम उसमें छोटी पार्टियों में सबसे ज्यादा जिसको मीडिया में कवरेज मिलता वो मीडिया पे कहता। तो मेरे भाई जरा डीएमके पे बोल दो और अपनी मीडिया वाले पे बोल दीजिए, और जिनको आप पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किए थे कहां पर, पंजाब में जब आपके शीश महल के ऊपर सवाल हुआ था, उस पर भी कुछ बोल दीजिए। नहीं नहीं चलिए, एक एक बात पे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ आई, चाहे मीडिया को गड़ियाने में ही हो। ऐश्वर्य जी चलिए मीडिया को ही बुराई देने में हो, कम से कम एक बार तो आप दोनों एक साथ आए। अरे सुनिए ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य बोलिए बोलिए ऐश्वर्य जी, ऐश्वर्य जी एक लाइन बोलिए। हम रिपब्लिक भारत पे बैठे, सुनिए हम रिपब्लिक भारत पे बैठे, इसी के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी को बंद कर दिया गया था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर आपको चैनल अच्छा नहीं लगता तो चैनल बदल दीजिए। यह तरीका नहीं हो सकता कि आप किसी को उठा के गिरफ्तार कर देंगे। गजब है, मीडिया के ऊपर भाषण देने के लिए लोग आ जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपके आपको ध्यान देना चाहिए कि बुरा जो देखन मैं चला, आपके लिए बोल रहा हूं, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आप ना, आपके लिए कह रहा हूं मुझसा बुरा न कोई। एंडिंग कमेंट संजीव जी बोलिए। देखिए आपके चैनल पे फाइनल बात करते हैं, फाइनली करिए, टाइम भी फाइनली पे आपको हम आपके अपने पार्टी के बिहाफ पे कह रहा हूँ कि हम अपने चंदे का डिटेल देने के लिए तैयार है। सुधांशु जी आज वादा करके जाए कि कल भारतीय जनता पार्टी चंदा मिला है वो कोर्ट के भरोसे नहीं रहेंगे, के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने चंदे का डिटेल देंगे। अगर ये दे देंगे चंदे का डिटेल तो मैं समझूंगा कि ये जो बात कर रहे हैं वो जुमला नहीं है। अगर नहीं लेंगे और आप दे रहे हैं आपको माफ नहीं करेंगे। एक बात, दूसरी बात कि ये कहते हैं कि अपना हाँ बिल्कुल पहली पार्टी देश में थी जिस चंदे को हम जो चंदा में मिलता था हम वेबसाइट पे डालते थे, लेकिन आपने क्या किया उसके बाद ढूंढ ढूंढ के वेबसाइट पे निकाल निकाल के आप घर घर जाके अपनी ईडी अपनी आईटीआई जो हेंच पे बना के रख दिया आपने उसका उपयोग करने लगे, लोग घबराने लगे। तो लोगों का कहना था कि ये चूंकि आप वेबसाइट पे क्लियर आप रखते हैं तो हमें परेशान किया जाता है, यही तो आप कर रहे हैं। ईडी सीबीआई आईटी ये इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं रही, ये हेंचमैन बन गया। तो आप हेंचमैन के जरिए जब डराने की कोशिश करते हो तो फिर उसको फिर बच्चा हटाना पड़ा। और चौथी बात मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो डोनर आए हैं ना, कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ रुपए और बॉन्ड खरीद लिया 600 करोड़ रुपए का, हिम्मत है तो जांच करो उसको बंद करो, ये कैसे हो सकता है? ओके, जिस कंपनी का प्रॉफिट है 200 करोड़ वो चंदा दे रहा है 1300 करोड़,
जाकर ईडी और सीबीआई आज ही भेजो अगर हिम्मत है तो, नहीं तो देश की जनता ये समझेगी कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए साजिश करके इस देश को आपने कंपनी के हाथ गुलाम बना दिया। और तभी जब टनल में लोग फंसते हैं वो आपको बॉन्ड चुकी यानी चंदा आपको दे देता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है, देश इसका विक्टिम हुआ है। देखते हैं देश किसको जवाब देता है। सुधांशु जी एंडिंग 30 सेकंड्स, आज समय कम है, एंडिंग 30 सेकंड्स। अब बोलिएगा कि लिस्ट जारी करेंगे जो मैंने कहा उस स्वीकार करेंगे चुनौती। ओके प्लीज टाइम नहीं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं आप तो करते थे काहे बंद कर दिए मेरे भाई, अब क्या चुनौती चुनौती बोल रहे हैं आप तो जैसे चुनौती देकर सत्ता में आए थे और जैसे ही शेल कंपनियां पता चल। अरे देखिए चुनौती ऐसे नहीं होती है, चुनौती यह होती है कि हमने जो कहा घोषणा पत्र में लिखा और करके दिखाया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और अंत में एक बात कह दूं, ऐश्वर्य कपूर जी जी मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं बोलिए चेक करिए इस देश में पॉलिटिकल पार्टियों को विदेश की खुफिया एजेंसियों से पैसे मिलते हैं और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा। क्या बोल रहे मित्रों बहुत बड़ा ऐलान वर्ल्ड पार्टी। नहीं नहीं यू आर अ राज्यसभा एमपी, व्हाट आर यू सेइंग सुधांशु जी, व्हाट आर यू सेइंग सर। मैं बोल रहा हूं कोट करके बोल रहा हूं मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट टू। आप सुनिए यूरी बैजमेनेव जो केजीबी का जासूस था 60 और 70 के दशक में पत्रकार बन के रहता था, उसका कैनेडियन टीवी को दिया गया इंटरव्यू। हाँ केजीबी के रिटायर्ड चीफ जेवलग्ना एल्बर्टस की किताब इस एक अलग डिबेट। और अगर इनको दम है तो ये जाके मुकदमा दायर कर दे उनके प्रकाशकों के ऊपर जी। उन्होंने डिटेल्स दिए हैं, उन्होंने कनॉट प्लेस के उस रेस्टोरेंट के डिटेल दिए जहां पर्ची चेंज की जाती थी, पैसा आता था। okay. उन्होंने कांग्रेस और सुनिए हाँ। वोल्कर रिपोर्ट जिसमें सद्दाम हुसैन ने सीधे पैसे कांग्रेस पार्टी को दिए, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में एक एक चीज डिटेल से लिखी है जो कांग्रेस के विदेश मंत्री रहे थे। बिल्कुल मैं नटवर सिंह तक पहुंच गए सुधांशु जी, संजीव झा जी आएगा। अरे क्या बोल रहे मेरे भाई। ओके लेकिन नाम ना इधर वाले बता रहे ना उधर वाले, वो कह रहे तुम बताओ, वो कह रहे हमने तो बताया ही नहीं, वो कह रहे हम बताएंगे नहीं क्योंकि जिनको हमने दिया तुम उनको पकड़ लोगे। वहां के कविता के विजुअल्स के साथ छोड़े जा रहा हूं आपको, के कविता को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन सुधांशु जी जितनी जल्दी प्लेन नहीं पहुंचता उतना जल्दी वो ईडी का समन का कागज दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली की राजनीति में बिल्कुल हड़कंप टाइप मचा हुआ है कि कहीं अरविंद केजरीवाल की बात सच तो नहीं हो जाएगी, कहीं अरविंद केजरीवाल अरेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। कल 3 बजे है इलेक्शन का अनाउंसमेंट, उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी 5 सेकंड है, उससे ज्यादा गरिमा देंगे नहीं आज समय मुझे। सुधांशु त्रिवेदी 5 सेकंड एंडिंग कॉमेंट सुधांशु जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा पत्र जो है प्लेन से नहीं पहुंचता, विद्युत की गति से पहुंचता है, ईमेल से पहुंचता है जी। और दूसरा मैं कह देना चाहता हूं इन लोगों के सामने समस्या यह है जी, बोलिए मैं बोल सकता हूं। हाँ बोलिए 5 सेकंड। हाँ मैं इन लोग सामने समस्या हाँ बता रहा हूं। आज इनका किला जिस तरह भरभराता हुआ नजर आ रहा है तो इसके लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी के लिए विशेषकर कहना चाहूंगा कि 100 रूप धरे जीने के लिए और बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना, हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह, गिरती हुई दीवारों की तरह पार्टी के भी चरणों में आके बैठ। अब किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं देखते हैं, ज्यादा समय नहीं, कल 3 बजे अनाउंसमेंट है। संजीव झा जी देख लेते हैं जनता किसके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, देखते हैं अरविंद केजरीवाल जी की बात सही होती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यस और प्लीज कंप्लीट, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो भी आपने शुक्रिया पॉइंट्स आपने रखे थे और मुकेश जी यहाँ पे हैं, मैं जी है ना, तो मुझे 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 कहीं ना कहीं